भाई हर्षद मेहता देखा? मतलब स्कैम 1992? हाँ देखा है मैंने, तूने देखा? हाँ यार क्या मस्त, क्या है ना। तो क्या क्या सीखा तूने? सीखा बहुत कुछ ही सीखा। कई बार क्या होता है, हम कोई एक अच्छी वेब सीरीज या मूवी देखकर बहुत कुछ सीखते तो है, लेकिन कुछ दिन बाद वो सारे लेसन्स भूल जाते हैं। इसलिए स्कैम 1992 वेब सीरीज देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अपनी लाइफ के 9-10 घंटे इन्वेस्ट करके मैंने जो सीखा उसे एक जगह पे समअप करके एक वीडियो बना डालूं, जिससे कि 9 घंटे की वेब सीरीज से सीखा हुआ लाइफ लेसन्स सिर्फ 9 मिनट में रिकॉल कर सकूं। और उसी वजह से आज का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, रिस्क है तो इश्क है। फिलोसोफर्स का मानना है कि अगर रोमियो और जूलियट के परिवार से उनके रिलेशनशिप को लेके एतराज नहीं होता तो फिर उन दोनों का प्यार कभी भी इतना गहरा नहीं हो पाता। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने जब इस चीज को लेके रिसर्च किया तब उन लोगों ने भी देखा कि स्पेशली टीनेजर्स के मामले में जब उनके पेरेंट्स उनके रिलेशनशिप को लेके एतराज दिखाते हैं तब वो एक दूसरे के प्रति और ज्यादा प्यार महसूस करने लगते हैं। मतलब रिस्क होने की वजह से इश्क और ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहली बात तो रिस्क है तो इश्क है, ये डायलॉग साइंटिफिकली भी काफ़ी हद तक सही है। और दूसरी बात यह है, लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क होता है कोई रिस्क ना लेना। नो पेन नो गेन। लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होता है। रिस्क अगर टू मच हो जाता है तो फिर इश्क भी शायद टू मच हो जाने की वजह से बिल्कुल रोमियो और जूलियट की तरह ही वो मौत का कारण बन जाता है। इसलिए रिस्क तो ज़रूर लेना है, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। मतलब सबसे बुरा जो हो सकता है वो अगर किसी वजह से सच हो भी जाता है तब भी उसे टैकल कर पाने के लिए सॉलिड बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। लेसन नंबर 2, चिंता चिता समान होती है। पूरे वेब सीरीज में हद से ज़्यादा चिंता करने की वजह से पहले हर्षद मेहता के फादर शांतिलाल मेहता, फिर UTI के चेयरमैन मिस्टर फेरवानी और आखिर में हर्षद मेहता का भी डेथ हो जाता है। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड वाइड हर साल सबसे ज़्यादा लोगों की मौत होती है स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज की वजह से, जिसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है चिंता यानी कि स्ट्रेस। दिमाग के अंदर अगर चिंता परमानेंटली जगह बना लेती है तो ये माना जा सकता है कि वो इंसान अपनी चिता पे चढ़ चुका है, क्योंकि चिंता अंदर से थोड़ा थोड़ा करके हमारे पूरे शरीर को जला देती है। अब हम 2 तरह की चीज़ों को लेकर चिंता कर सकते हैं। नंबर 1, जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, या फिर नंबर 2, जहाँ पे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ किया जा सकता है तो फिर जितना जल्दी हो सके एक्शन लेके चिंता को अपने दिमाग से बाहर निकाल देना है। और अगर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तब तो चिंता करके भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए ऐसे में चिंता को घुसने देने से पहले ही रोक लेना है। मेरे चिंता करने से तो कुछ बदलेगा नहीं, तो फिर चिंता करके क्या फायदा। बात यह है कि कभी भी किसी भी चिंता को ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रहने नहीं देना है। उसका कोई ना कोई एक सलूशन ढूंढ निकाल के जितना जल्दी हो सके उसे अपने दिमाग में से बाहर निकाल देना है, जिससे कि चिंता की आग अंदर से हमारे शरीर को जला ना सके। लेसन नंबर 3, सक्सेस क्या है फेलियर के बाद का चैप्टर। एक क्रिकेटर जो आपसे कई अच्छी बैटिंग करता है वो अपनी ज़िंदगी में आपसे कई गुना ज़्यादा बार आउट हुआ है। फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन थॉमस जे वॉटसन ने कहा था, इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर सक्सेस रेट डबल योर फेलियर रेट। हर्षद मेहता के मामले में भी पहली बार शेयर मार्केट में बड़ा लॉस होने के बाद ही सक्सेस का चैप्टर शुरू हुआ था। इसलिए अगर लाइफ में कोई बड़ा फेलियर का सामना करना पड़े तो उदास ना होके बल्कि और ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर सक्सेस की आने वाली है। लेसन नंबर 4, प्रॉफिट दिखता है तो हर कोई झुकता है। सोचिए आप अपने फ्रेंड रिजी को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना चाहते हो, आप दिल से चाहते हो ताकि वो ज़रूर आए, लेकिन आपको डाउट है कि शायद वो नहीं आएगा। अब आप 2 तरीके से रिजू को इनवाइट कर सकते हो। रिजू कल शाम को मेरे बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना, तू आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। या फिर आप रिजू को ऐसे भी कह सकते हो, रिजू कल शाम को मेरे बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना, पायल कह रही थी कि वो कल जल्दी ही आ जाएगी। आपको पता है कि रिजू का पायल के ऊपर एक क्रश है, इसलिए पायल आ रही है जानकर रिजू ज़रूर आएगा। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ फ़ायदा दिखता है वह हर कोई झुकता है। पूरे वेब सीरीज में अगर आप नोटिस करोगे तो हर्षद मेहता जब भी किसी के साथ कोई डील करने जाता था
तो हमेशा वो डील एक्सेप्ट कर लेने पर सामने वाले का क्या फायदा होगा उस पे वो हमेशा जोर डालते थे और सामने वाले को हमेशा कहते थे, आप चिंता क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना चिंता करने के लिए। और बिल्कुल इसी वजह से हर्षद मेहता बहुत ही आसानी से लोगों को कन्विंस भी कर लेते थे। इसलिए जब भी आप सामने वाले से कोई काम करवा लेने के लिए बात कर रहे हो तो कोशिश कीजिए वो काम करने से आपका क्या क्या फायदा होने वाला है उसे जितना हो सके दबा के रख के उसके जगह सामने वाले का क्या क्या फायदा होगा उन सबको बार बार हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए। लेसन नंबर 5, पैसा पॉइजन बन सकता है। बिल्कुल जैसे गाड़ी में पेट्रोल, वैसे ही हमारे लाइफ में पैसा। पैसे की इंपॉर्टेंस सिर्फ लाइफ की गाड़ी को सचल रख पाने तक ही है, ना उससे कम ना ही उससे ज्यादा। अब सोचिए अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर के आपने फुल टैंकी कर लिया, लेकिन फिर भी आप और भी पेट्रोल अपनी गाड़ी में डालना चाहते हो, तो इसलिए फिर आपने गाड़ी के डिक्की में भी पेट्रोल से भर दिया, फिर भी आपका दिल नहीं भरा, और इसलिए फिर गाड़ी में बैठने की जगह पे भी आपने पेट्रोल से भर दिया, तो तब क्या होगा? नेचुरली उसी पेट्रोल के अंदर दम घुट के आप मर जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही लाइफ में जब पैसा फुल टैंकी बन जाता है, उसके बाद भी अगर आप पागलों की तरह पैसों के पीछे भागते रहोगे तो फिर एक टाइम के बाद वही पैसा आपकी लाइफ में पॉइजन बन जाएगा। बिल्कुल जैसे मेडिसिन सही मात्रा में लेने पर जिंदगी बचा सकती है, वैसे ही ओवरडोज हो जाने पर पॉइजन बनकर जिंदगी छीन भी ले सकती है। लाइफ में हर चीज एक लिमिट तक ही फायदा देता है, लेकिन वो लिमिट क्रॉस हो जाने पर वही सेम चीज नुकसान करने लग जाता है। तो अब अगर मैं इस पूरे वीडियो को समअप करूं तो स्कैम 1992 वेब सीरीज से हमें ये 5 चीजें सीखने को मिलता है। नंबर 1, रिस्क है तो इश्क है। नंबर 2, चिंता चिता समान होती है। नंबर 3, सक्सेस क्या है, फेलियर के बाद का चैप्टर। नंबर 4, प्रॉफिट दिखता है तो हर कोई झुकता है। एंड नंबर 5, पैसा पॉइजन बन सकता है। ताकि आज इस वीडियो से आपको जो जो बातें सीखने को मिला वो आपको हमेशा याद रहे, इसलिए मैंने इस वीडियो का एक इन्फोग्राफिक समरी इमेज तैयार किया है, जिसे आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं हमारे शुभचिंतक शुभम कौर को दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। अगर सोल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स की वीडियोस देखकर आपको खुद को कुछ मदद मिल पाया है और आप हमें हमारे इस काम को जारी रखने और बेहतर बनाने में मदद करना चाहते हो तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हो। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपके दोस्तों में जिन लोगों ने ये वेब सीरीज देखा है वो भी इन लाइफ लेसन्स को याद रख के अपने लाइफ के 9 घंटे की इन्वेस्टमेंट को काम में लगा सके, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देख के खुद को हमारे एक स्पेशल व्यूअर में तकदीर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।